तो गाइस यही है वो मंदिर, मेरा दोस्त लोग जा रहा है, बंटा, अभिजीत एंड सुबोल, यही है वो शिवलिंग, इतना बड़ा शिवलिंग। मैं अभी अंदर जाऊंगा, अंदर जाके आप लोग को सब कुछ दिखाऊंगा। ये बहुत रेयरली दिखाई देता है, कभी कभी जिसको किस्मत होता है उसी को दिखाई देता, तो आज मैं शायद वही किस्मत वाला जो वन हॉन राइनो मुझे दिखाई दिया। और ये काजीरंगा का मेन पॉइंट है, काजीरंगा एक्चुअली तो जो फॉरेस्ट है वो बहुत लंबा फॉरेस्ट है। हाय गाइस, दिस इज कबीर एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल कबीर पहला स्पॉट। और अगर आप लोग मेरा ये वीडियो फेसबुक पेज में देख रहे हैं, वेलकम टू माय फेसबुक पेज कबीर पहला स्पॉट। गाइस आप सभी लोगों को पता, मैं अभी गुवाहाटी पे हूँ, कल मैं शिलोंग गया था, तो आज हम लोग गुवाहाटी से निकल जा रहे हो क्योंकि आज सबका काम है। तो सुबह हम लोग लगभग 8 बजे निकल गया अपना फ्लैट से। लेकिन एक बात मैं बोलना चाहता हूँ, मैं सोच रहा जो बंटा लोग जो नया फ्लैट लिया ना, जिस फ्लैट में हम लोग स्टे किया था वो फ्लैट का व्यू सब कुछ दिखाऊंगा, पर दिखा नहीं पाया क्योंकि मैं उतना बड़ा टाइम नहीं मिला ना, सारा दिन इसलिए टाइम नहीं मिला। तो आज हम लोग निकल जा रहे हैं, तो अभी हम लोग फिलहाल एक रेस्टोरेंट में अभी ब्रेकफास्ट करके यहाँ से निकल जाएंगे। यहाँ से निकलने के बाद गुवाहाटी का रोड में, जैसे गुवाहाटी टू तिनसुकिया का रोड में अगर कुछ मिलता है, ऐसा कुछ अच्छा चीज़ मिलता है तो वो व्यू शेयर करूँगा। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, वीडियो का एंड तक देखते रहिएगा। और अगर वीडियो अच्छा लगे दिन काइंडली मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो ब्रेकफास्ट करने के बाद आप लोग से फिर मीट करेंगे खाना कैसे वो बताने के लिए। तो गाइस हम लोग का खाना हो गया, मतलब ब्रेकफास्ट हो गया। तो मुझे तो यहाँ पे खा के उतना अच्छा नहीं लगा क्योंकि उतना फ्रेश नहीं है, मुझे अच्छा नहीं लगा। ये खुद सबका टेस्ट के ऊपर डिपेंड करता है, किसी किसी का टेस्ट मैं ये नहीं बोलूँगा, बट मुझे अच्छा नहीं लगा। तो आप लोग सोच समझ के यहाँ पे खा सकते हो। तो अभी हम लोग यहाँ से निकल जाएंगे, निकल जाने के बाद आज ट्राई करेंगे जो नौगांव का मृत्युंजय मंदिर है, सब बहुत बड़ा शिवलिंग है, वहाँ पे जाने का कोशिश करेंगे। अगर आप लोगों को उस मंदिर का वीडियो देखना है तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखते रहिएगा। तो गाइस मैं जो मंदिर है, जो वर्ल्ड का सबसे बड़ा शिवलिंग है, उस मंदिर में मैं आ चुका हूँ। एक्चुअली मैं और एक बार आया था लेकिन उस टाइम मैंने वीडियो शूट नहीं किया था, तो आज मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ। और यहाँ पर आने का मेरा बहुत दिन से मन था, और मेरा सिर्फ मन नहीं था, मेरा साथ वाला जो दोस्त लोग हैं उन लोग का भी मन था आने के लिए, इसलिए मैं आ पाया। इतना बड़ा शिवलिंग देखने से अभी जो आप लोग देखोगे ना इतना अच्छा लगेगा, इतना बड़ा है ना, बहुत अच्छा लग रहा है। तो मैं इस मंदिर पर आया हूँ, और एक्चुअली तो आज से मंदिर खुल गया क्योंकि इतना दिन अम्बुबची रहा तो मंदिर बंद रहा, तो आज खुल गया मंदिर, इसीलिए आज आ भी पाया हूँ। तो अंदर एंटर करूँगा क्या नहीं वो अभी तक श्योर नहीं है, क्योंकि हम लोग तो गुवाहाटी से आए ना, तो मतलब कपड़ा उपड़ा ठीक नहीं है, उतना धुलाई नहीं है, फिर भी देखता हूँ अगर एंट्री करूँगा। लेकिन नहा के आया तो सोच रहा हूँ एंट्री कर लूँगा। तो अभी मैं दिखाऊँगा आप लोग को वो ही शिवलिंग, वर्ल्ड का सबसे बड़ा शिवलिंग जो है नौगांव में। तो गाइस यही है वो मंदिर, मेरा दोस्त लोग जा रहा है, बंटा, अभिजीत एंड सुबोल, यही है वो शिवलिंग, इतना बड़ा शिवलिंग। मैं अभी अंदर जाऊंगा, अंदर जाके आप लोग को सब कुछ दिखाऊंगा। तो मंदिर का सामने में ऐसे दुकान है, यहाँ से आप लोग थाली खरीद सकते हैं पूजा के लिए, 100 रुपया का है, 50 का नहीं है, 200 का है, 300 है। तो हम लोग सब मिल के एक थाली लिया जो पूजा के लिए, वही सब मिल के वही थाली सब मिल के दे देंगे। मंटा लेके जा रहा है थाली, यहाँ पे सब कुछ दुकान वकान सब कुछ है। आप लोग मैं थोड़ा धुलाई कर लेता हूँ, अभी अंदर जाऊँगा, अंदर जाकर पूजा करूँगा पहले, उसका बाद जाके आप लोग को इसका जो वहाँ से व्यू आता है ना मंदिर का वो व्यू भी दिखाऊँगा। यहाँ पे भी कुछ मंदिर बनाया, नया बनाया और दूर में, वो भी देखूँगा बाद में। आज मंदिर खुला है, इंडिया का सबसे बड़ा शिवलिंग है, इंडिया का सबसे बड़ा होगा, दैट मीन्स वर्ल्ड का भी सबसे बड़ा ही होगा। ये नौगांव टाउन से थोड़ा अंदर आना पड़ेगा, कम से कम मान लीजिए ना मेन हाईवे से 4-5 किलोमीटर आने के बाद ये मंदिर दिखाई देता है। अभी अंदर में एंट्री कर रहा हूँ,
तो गाइस मंदिर के अंदर में वीडियो करने नहीं दिया, वीडियो और फोटोग्राफी अलाउ नहीं है, इसलिए कर नहीं पाया, इसलिए बाहर बाहर से दिखा रहा हूँ। यही है मंदिर का बाहर का जो शिवलिंग जो फाउंडेशन वहाँ पर उठने के बाद ऐसा कुछ है। तो मंदिर में फुल्ली रिस्ट्रिक्टेड है, वीडियोग्राफी एंड फोटोग्राफी इस टाइम किया भी नहीं और करना भी नहीं चाहिए, क्योंकि इतना ज़्यादा वीडियोग्राफी अगर फोटोग्राफी सब यूट्यूब में देख लिया तो मंदिर में कौन आएगा ना। और ये चीज़ अच्छा भी लगता है, मंदिर बाहर से दिखाओ बट अंदर अगर सब देख लेगा तो मंदिर में कोई आएगा नहीं, इसलिए मैं उससे किया भी नहीं। तो गाइस अभी यहाँ पे सबको भोग दिया जा रहा है, तो हम लोग भी लाइन में लगा है भोग के लिए। जो भोग का प्रसाद था ना, वो प्रसाद तो हम लोग बहुत लक्की है जो आज हम लोग को भोग का प्रसाद मिल गया। ऐसे बहुत कम ही आदमी को मिलता है ऐसे भोग का प्रसाद, बट सचमुच में लक्की, इसीलिए आज हम लोग को शिव जी का, भोलेनाथ का, महादेव का भोग का प्रसाद मिल गया। तो फ्रेंड्स दूर से जो शिव मंदिर का व्यू आता है ऐसा लगता है वर्ल्ड का सबसे बड़ा शिवलिंग। तो अभी हम लोग वहाँ पे जाएंगे, दिया जलाएंगे। वो लोग मेरा दोस्त लोग चला गया, दिया जलाने का जो प्लेस है वो बिल्कुल सेपरेट है, मंदिर से दूर है थोड़ा, और ये अच्छा भी है सेफ्टी का पर्पज़ से। तो गाइस मैं अभी महामृत्युंजय मंदिर से अभी जा रहा हूँ। अभी यहाँ से जाने के बाद हम लोग को काजीरंगा मिलेगा, तो काजीरंगा रुक के कोशिश करूँगा आप लोग का, अगर राइनो मिला तो राइनो दिखाऊँगा, या कुछ जो भी एनिमल मिलता है वो एनिमल का व्यू दिखाऊंगा, काजीरंगा का भी व्यू दिखाऊंगा। तो प्लीज़ अभी भी वीडियो स्किप मत कीजिएगा, अभी भी वीडियो में बने रहिए और वीडियो देखते रहिए, और प्लीज़ वीडियो लास्ट तक देखिएगा। गाइस मैं अभी धीरे धीरे बात करूँ, अभी मैं काजीरंगा नेशनल पार्क में दूर में अभी मैं आप लोग को जूम करके दिखाऊँगा, एक हरिन दिखाई दिया, उस हरिन को मैं जूम करके दिखाता हूँ, जूम होता है कि नहीं मालूम नहीं है। और वो देखिए जा रहा है, चला गया आप, वो देखिए ये है हरिन। अभी था इतना देर था, अभी है ना, है अभी जंगल का, अभी जंगल में जा रहा है, तो मैं जूम करके दिखा, मैक्सिमम जूम हो गया, चला गया, वो देखिए जा रहा है, ये है हरिन, अभी इस तरफ देख रहा है, ये फुली ओपन है, मस्त है। लेकिन ये देखिए हरिन है, आगे में गोंडा राइनो भी मिल सकता है, वो भी दिखाऊंगा। मैं थोड़ा धीरे धीरे बात कर रहा हूँ, आप लोग थोड़ा मैनेज कर लीजिएगा। तो गाइस कुछ दूर चलने के बाद, मतलब एक किलोमीटर चलने के बाद हम लोग को राइनो देखने को मिला। अभी उसी राइनो को आप लोग के साथ मैं शेयर करूँगा, सामने में ज़्यादा दूर नहीं चलते जा रहे, उसी वही मैं व्यू अभी आप लोग का दिखाऊंगा। तो प्लीज़ इस व्यू को एटलीस्ट मिस मत कीजिएगा अगर आप लोग को वन हॉर्न राइनो देखना है। तो दून में जो दिखाई दे रहा है ये वन हॉर्न राइनो, मैं अभी जूम करके दिखाऊंगा आप लोगों को, यही है वन हॉर्न राइनो जो दूर में दिखाई दे रहा है ना, यही है वन हॉर्न राइनो जो असम का फेमस है। वन हॉर्न राइनो सिर्फ असम में नहीं, वर्ल्ड में कहीं में नहीं मिलता, सिर्फ असम में मिलता है काजीरंगा नेशनल पार्क में। और ये असम का जो मेन स्टेट एनिमल है ना, ये वन हॉर्न राइनो है। फ्रेंड्स मैं और कुछ दूर आने के बाद, ज़्यादा से ज़्यादा 2 किलोमीटर, तीन नहीं कम से कम 4-5 किलोमीटर आने के बाद और बहुत सारे हमको राइनो दिखाई दे, इसीलिए उस व्यू को अभी मैं शेयर कर रहा हूँ, अभी मैं जूम करके आप लोग को दिखा रहा हूँ। ये देखिए, ये 1, 2, 3, 4 राइनो यहाँ पे, ये बहुत रेयरली दिखाई देता है, कभी कभी जिसको किस्मत होता है उसी को दिखाई देता। तो आज मैं शायद वही किस्मत वाला हूँ जो वन हॉर्न राइनो मुझे दिखाई दिया। और ये काजीरंगा का मेन पॉइंट है, काजीरंगा एक्चुअली तो जो फॉरेस्ट है वो बहुत लंबा फॉरेस्ट है, तो बीच में ये है राइनो पॉइंट, एलिफेंट पॉइंट है, उसका बाद मंकी पॉइंट है, बहुत सारा पॉइंट है, तो ये है राइनो पॉइंट। तो अभी इस राइनो को जो मुझे दिखाई दिया, इतना पास से मैं काजीरंगा से ऊपर से बहुत बार मैं क्रॉस किया, बट इतना सामने से कोई भी राइनो मैं आज तक देखा नहीं, और शायद आज मेरा किस्मत अच्छा है इसीलिए इतना सारा राइनो एक साथ दिखाई दिया। वो लोग अभी कुछ खा रहा है, ऐसा कुछ कर रहा है। तो गाइस अभी मैं आप लोगों के साथ, पहले तो जो नगाँव का शिव मंदिर है मृत्युंजय, जो इंडिया वर्ल्ड का सबसे बड़ा जो शिवलिंग है
उस शिवलिंग को और उस मंदिर को आप लोगों के साथ मैंने शेयर किया। उसके बाद अभी राइनो को, राइनो जो काजीरंगा का राइनो है, फेमस असम का फेमस राइनो, उस राइनो को भी व्यू शेयर किया। तो अगर आप लोगों को मेरा ये वीडियो और मेरा इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा देन काइंडली मेरा इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर दीजिएगा। और अगर आप लोग मेरे ये वीडियो फेसबुक पेज में देख रहे हो देन काइंडली मेरा इस फेसबुक पेज को फॉलो कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो इस वीडियो को मैं आज यहीं पर समाप्त करता हूँ। बाय, जय हिंद।